Continuing from the previous video, we will apply the first step of the Hungarian method to find the optimum solution of this problem. देखिए आपने यहाँ तक तो हमने काम कर लिया था. अब इसके आगे क्या करना है हमें? इसके आगे हमें थीटा की वैल्यू वन निकालनी है. अब थीटा को सब्ट्रैक्ट थीटा फ्रॉम दी एलिमेंट्स वेयर नंबर ऑफ देयर नो लाइन क्रॉसेस. इन एलिमेंट पे कोई लाइन नहीं क्रॉस करी, जैसे 4, 2, 7, 6 एटसेट्रा. उनमें से थीटा को मतलब कि 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है. एंड ऐड थीटा फ्रॉम एलिमेंट्स वेयर 2 लाइन क्रॉसेस. और थीटा को वहाँ पे उन एलिमेंट्स पे ऐड कर लेना है जहाँ पे 2 लाइन क्रॉस हो रही हैं. जैसे फॉर एग्जांपल देखें तो शो यू फॉर एग्जांपल आप देखो तो 2 लाइन कहाँ क्रॉस हो रहे हैं? यहाँ क्रॉस हो रही हैं 2 लाइन, एक ये वाली एक ये वाली, ऐसे क्रॉस बनना चाहिए. और कहाँ क्रॉस हो रही हैं? यहाँ पे क्रॉस हो रही है, तो यहाँ पे थीटा ऐड होगा. सो मॉडिफाई करने के बाद वैल्यूज कुछ इस तरीके की आ जाएंगे, 3, 1, 6, 5, 0, 5, 3, 2, 1, 0, and 0, 7, 6, 0, 1, उसके बाद 6, 3, 0, 2, 0, 5, 0, 0, 2, and 1. सो दिस इज द मॉडिफाइड टेबल. अब क्या करना है, फिर से यहाँ पे एलोकेशन करनी है. फर्स्ट रो में देखिए एक ही सिंगल जीरो है, सो एलोकेटेड, और उस कॉलम में बाकी के जीरोस को कैंसिल कर देंगे. उसके बाद यहाँ पे 2 जीरोस हैं तो अभी नहीं करेंगे. थर्ड रो में एक ही जीरो है तो इसको एलोकेट कर देंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में बाकी जीरोस को कैंसिल कर देंगे. इस रो में एक ही जीरो है, इसको एलोकेट कर देंगे. फर्स्ट कॉलम में देखे तो एक ही जीरो है तो इसको एलोकेट कर देंगे और रो में बाकी के जीरोस को कैंसिल कर देंगे. सो दिस इज द असाइनमेंट दैट वी हैव गॉट यूजिंग द हंगेरियन मेथड. इसके अकॉर्डिंग जो अब J1 इज असाइन टू द फिफ्थ पर्सन, J2 इज not assigned, J3 is assigned to the first person, J4 is assigned to the third person and J5 is assigned to the second person. लेकिन अब देखिए आप यहाँ पे कोई ये जॉब किसी को भी नहीं असाइन हुई है. सो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करेंगे ऑफ द हंगेरियन मेथड. सेम प्रोसीजर लगाना है नेक्स्ट स्टेप में भी, लाइंस लगा के एंड यू विल अप्लाई द सेम प्रोसीजर. मैं आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ इस रो में कोई भी असाइनमेंट नहीं हुई थी, इस जॉब की असाइनमेंट नहीं थी, तो इस रो को टिक कर दीजिए. और इस रो में देखिए जीरो कहाँ है, ये रही जीरो, और ये इस कॉलम में है तो इस कॉलम को टिक कर दिए. और इस कॉलम में देखिए कि जीरो असाइंड कहाँ है, ये असाइंड है तो इस रो को टिक कर दीजिए. और अब अनटिक्ड रोज पे लाइंस बना दी हमने, अनटिक्ड रोज पे लाइन बना दीजिए. This one, और टिक्ड कॉलम्स पे लाइन. टिक्ड तो यही है लास्ट वाला, टिक्ड तो यही है लास्ट वाला, सो वी ठीक है. एंड नाउ अप्लाई द सेम प्रोसीजर. कौन सा प्रोसीजर लगाना है आपको? थीटा की वैल्यू अब क्या आएगी यहाँ पे? 1. सेम प्रोसीजर, कौन एलिमेंट में ऐड कर दीजिए जहाँ पे कोई जहाँ पे 2 लाइन क्रॉस हो रही है, और उन एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जहाँ पे कोई भी लाइन नहीं क्रॉस हो रही. यू विल गेट 2, 0, 5, 4, 0, 4, 1, 0, 0, 0, 7, 6, 0, 2, 6, 3, 0, 1, and 5, 0, 0, 2, 2. ठीक है, ये आ गया आपका नेक्स्ट टेबल. यहाँ पे एलोकेशन, फर्स्ट रो में 2 जीरोस हैं इसको छोड़ दीजिए, सेकंड रो में 2 जीरोस हैं, थर्ड में 2 जीरोस हैं, फोर्थ रो में एक ही जीरो है इसको एलोकेट कर दीजिए जब बाकी के जीरोस को कैंसिल. फिफ्थ रो में एक ही जीरो है इसको एलोकेट कर दीजिए, कॉलम में बाकी के जीरोस को कैंसिल कर दीजिए. फर्स्ट कॉलम में एक ही जीरो है इसको एलोकेट कर दीजिए और रो में बाकी जीरोस को कैंसिल. यहाँ पे एलोकेट कैंसिल, एंड यहाँ पे आ गई जी आपके ऑप्टिमम
एलोकेशन, वी हैव ऑब्टेन्ड दी ऑप्टिमम एलोकेशन, क्योंकि हर एक जॉब असाइन हो चुकी है और ऑप्टिमम एलोकेशन की वैल्यू क्या है, जॉब वन इज असाइन टू द फिफ्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन तो हमने डमी लिया था, ठीक है, तो जॉब जे वन इज अन असाइंड, डमी तो हमने खुद लिया था ना टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एक्चुअली तो फिफ्थ पर्सन कोई है ही नहीं, एक्चुअली तो फोर पर्सन ही है ना, सो अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट जॉब इज अन असाइंड इन आर सोल्यूशन एंड जॉब जे टू इज असाइन टू द फोर्थ पर्सन, जॉब जे थ्री इज असाइन टू द फर्स्ट पर्सन, जे फोर इज असाइन टू थर्ड पर्सन एंड जॉब जे फाइव इज असाइन टू द सेकेंड पर्सन, एंड वॉट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व ओवर हियर, लेट अस सी व्हाट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व, असाइनमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख लीजिए कि जो सबसे पहला टेबल था, सबसे पहला कहाँ है, सबसे पहला टेबल वैसे दिस इज द फर्स्ट टेबल, सो ये रहा असाइनमेंट कॉस्ट, ये रहा असाइनमेंट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट है जीरो, राइट, और ये रहा असाइनमेंट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट है थ्री, आफ्टर दैट हेयर इज द असाइनमेंट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट है टू, दैट हेयर इज द असाइनमेंट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट है टू, आफ्टर दैट हेयर इज द असाइनमेंट, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट है टू, सो दिस इज द ₹9 is the cost. So this is the way by which you can solve an unbalanced transportation problem. तो देखिए इसमें हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, बेसिकली काफ़ी एस्पेक्ट्स डिस्कस हो चुके हैं, एक तो अनबैलेंस प्रॉब्लम को कैसे डिस्कस कर सॉल्व करना है, एक आपने हंगेरियन मेथड कैसे अप्लाई करना है, राइट, दो एस्पेक्ट इसमें डिस्कस हो चुके हैं. So hope you like the video. Don't forget to subscribe the channel for more such videos. And do suggest any thing you want to in the comment section. Thank you very much.